से वो रिकॉर्ड हो जाएगा सर है, और जो है से। ठीक है जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो वो नीचे एक देखिए एक रिकॉर्ड बटन है उसको आप कंप्यूटर में अगर हैं तो आप उसको दबा दीजिएगा तो आपका ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो मोबाइल पे आपको हो सकता है दिक्कत हो लेकिन इस पे आप करेंगे कंप्यूटर पे तो जगह थोड़ा ज्यादा लेता है लेकिन आपको रिकॉर्ड हो जाएगा सर सीएमजी मैडम आल्सो आर हियर सर मीटिंग चलो बढ़िया चलो बढ़िया है सो शुड वी स्टार्ट यस सर ठीक है सबका म्यूट कर दीजिए जितने भी लोग हैं कि और मेरा और अपना जो है ऑन रखिए सब लोग आप आपस में सब लोग आप म्यूट कर लो ऑडियो को नहीं तो फिर वो आवाज आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और सबको जो है ये बताया जा रहा है कि सब लोग जो है अपने घर पे सेफ रहिए और बिना जो है वो बाहर नहीं निकलने का है और उसमें जो है सेफ रहिए मास्क पहनिए अभी चूंकि हम रूम में अकेले हैं इसलिए हमने मास्क नहीं पहना है लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं या आपका जब भी ऑफिस आते हैं अभी ऑफिस में ही हम तो मास्क पहन के आते हैं तो अभी सिचुएशन काफी गंभीर है तो सबको जो है बिना जो है बाहर नहीं निकलना है और मास्क पहन के रहने का ये एक हम लोग का कुछ दिन पहले थॉट हुआ कि लॉकडाउन पीरियड को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए आवाज क्लियर जा रही है सर बिल्कुल क्लियर है या कोई उसमें दिक्कत बिल्कुल है बिल्कुल क्लियर है सर ठीक तो ये जो है एक थॉट वाक इसको जो है हम लोग लॉकडाउन के पीरियड को कैसे यूटिलाइज करें तो इसमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग कुछ कुछ जो है ऑनलाइन क्लासेस करें या ऑनलाइन जो है कुछ सेशंस करें तो उसी के संदर्भ में ये जो है छह सात सेशन का हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करते रहेंगे वो जो आ, और जो कि बुक में तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और इधर उधर से जानते हैं लेकिन जो आपको एक्चुअल जानना चाहिए उसके लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं तो ये पहला सेशन जो हम लोग आज हम ही ने चालू किया कि चलो मैं ही चालू करता हूँ तो ये पहला सेशन है बेसिकली जो है कि एक्सेल को एम एम आई एस के साथ मिल करके कैसे यूज करें एक्सेल जो देखिए ये काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है 1996 में जो है हमने इसका यूज करना चालू किया था उस समय काफी फंक्शंस में जानता था लेकिन धीरे धीरे 20-25 साल के दरमियान जो है अब मुझे उतने ही फंक्शंस मालूम है जिसको कि मैं डे टू डे जो है काम में लाता हूँ और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी है तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं और जब से ये एमएमआईएस का डाटा आया है तब से जो है आप इसको जो है बहुत सारा एमएमआईएस का चीज है जिसको कि आप जो है आराम से एक्सेल में एनालाइज कर सकते हैं तो ये सब लोग अगर पेन पेपर होगा तो आपके लिए काफी बेहतर है वहां पे जो मैं फंक्शन सिखाऊंगा उसका केवल वो वो नोट कर लेना कि है गूगल बाबा जो है वो आजकल जो है सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप गूगल कीजिए और आपको जो है दुनिया का हरेक जवाब जो है वो आपको गूगल के थ्रू मिल जाएगा मैं आपको इसलिए जो है साठ या नबे मिनट का मैं ये सेशन कर रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक फीचर्स बता दूं ताकि आपको जो है काम करने में सुविधा हो तो एक्सेल के बारे में यही है कि ये काफी पावरफुल टूल है एनालाइज करने के लिए और ऑलमोस्ट जितना भी मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूं अपने लिए वो बेसिकली मैं एक्सेल में ही करता हूं एम का डाटा लेकर के तो इसको जो है मैं आपको कुछ कुछ फीचर्स बताऊंगा उसको आप या तो वीडियो को पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए नहीं तो ये कर लीजिए नोट भी फंक्शन करते जाइए ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी आपका एम एम आई का वो देखिए आपको सबको दिखेगा ये ये स्क्रीन दिख रहा है आपको सन्नू यस सर ठीक है तो ये स्क्रीन शेयर है और ये ये जो है अभी एक्सेल का दिख रहा है सर अभी तो सिर्फ आईएमएस का दिख रहा है सर एक्सेल अभी नहीं अभी हाँ एक अभी मैं सर वो क्लास ले रहा हूं 100 लोग वेट कर रहे हैं ठीक है हां हां वो उसका ही है हां अपने रूम से मैं ले रहा हूं ठीक है सर अभी चालू ही हुआ है अभी फिर वो करीब करीब पांच बजे तक खत्म हो जाएगा ठीक है सर अभी एक्सेल दिख रहा है नहीं नहीं सर अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा पहले मैं एक्सेल को ही शेयर करता हूं ये जो है ये जो है ये एक्सेल दिख रहा है नो सर ये आपका स्क्रीन शेयरिंग अभी ऑफ हो रखा है सर एक मिनट अभी आया नहीं नहीं सर अच्छा ये जो है ये ये सर ये आ गया होगा अभी यस सर ये आ गया यस सर।, सर ये ये कुछ कुछ फंक्शन मैं सिखाऊंगा जो कि आपको आ, ये पता चलेगा कि उसको कैसे ये फंक्शन करते हैं ये जो है सबसे पहले ये देखिए ब्लैंक है। इसमें जो है आ, ये जो ब्लैंक ब्लैंक है में जो है आपको कुछ कुछ चीजें जो है जाननी पड़ेगी ये जो है ये सेल इसको बोलते हैं। ये जो है बेसिकली सेल है और ये आपका कॉलम है ये जो एच में एच सबको दिख रहा है ठीक से क्लियर ये एच जो है ये देखिए इसमें एक एरो दिख रहा है अभी जो है ये प्लस हो गया और ये ये जो है ये एरो तो अगर आपको पूरा इसको सेलेक्ट करना है कॉलम को तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसी तरह से रो को भी देखिए कि उसको जो है वो राइट एरो दिख रहा है इसको जो है ये पूरा रो को सेलेक्ट करना होता है किसी सेल को सेलेक्ट करना होता है तो वहां जाकर के अगर आप उसको दबा दीजिएगा तो आपका जो है ये सेल सेलेक्ट हो जाता है ये जो एक देखिए कॉर्नर में ये है ये कॉर्नर में जो है ये इसको फिल हैंडल बोलते हैं ये सन्नू दिख रहा है यस सर ये जो है ये फिल हैंडल होता है इसको फिल हैंडल जो है इसको किसी किसी कंप्यूटर में एक्टिवेटेड नहीं रहता है तो आप जाकर के गूगल में अगर कीजिएगा कि हाउ टू एक्टिवेट फिल हैंडल सब लोग अपने कॉपी में लिख लो फिल हैंडल इसको बोलते हैं फिल हैंडल और अगर आपको नहीं कंप्यूटर में आ रहा है तो आप जाकर के बोलिए कि हाउ टू एक्टिवेट फिल हैंडल वो आपका फिल हैंडल जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा ये मैं बता रहा हूं कि जो भी चीज मैं बताऊंगा उसका कम से कम 500 वीडियो गूगल में आपको मिलेगा या यूट्यूब में मिलेगा तो आप उसको कर सकते हैं ये सब बेसिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू ये करते हैं इसको फार्मूला बार बोलते हैं ये देखिए जहां पे इफेक्ट लिखा हुआ है और इसके बगल वाला जो है इसको फार्मूला बार बोलते हैं ठीक है ये आपको रेफरेंस देता है कि आप किस सेल में है यहाँ पे जे है तो आप जे सेल में है इस टाइप का आपको रेफरेंस देता है ठीक है यहाँ पे अगर आप जाते हैं बिल्कुल कॉर्नर जो है बाएं वाले कॉर्नर में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए यहां से अगर सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा तो ये जो है बेसिकली कैसे रो सेलेक्ट करने का फिल हैंडल का, का काफी महत्वपूर्ण स्थान है आप जैसे आपने संडे लिखा और अब ये मंडे ट्यूसडे व नहीं लिखने का आप फील हैंडल पकड़ के अगर कर देंगे तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब आ जाएगा उसी तरह से मान लीजिए कि एक है और दो है आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आगे खींच लीजिए तो ऑटोमेटिक जो है ये सारे नंबर जो है ये अपने आप आ जाते हैं तो ये जो है ये फील हैंडल का, का काफी अच्छा मतलब ये रहता है इसको आप कर सकते हैं इतना क्लियर है एमएम वर्कशॉप यस yes, सर ये सबको क्लियर दिख रहा है नंबर नंबर yes, नंबर दिख रहा है क्लियर, क्लियर क्या इसको स्क्रीन है? को ठीक है तो ये जो है बेसिकली ये फील हैंडल के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो ये सब बेसिक्स है बाकी जितने भी लोग हैं हमको लगता है कि सब को कम से कम मोट मोटी मोटी वो काम करना आता होगा कि कैसे काम करते हैं एक्सेल में ये जो ऊपर में देखेगा होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डाटा रिव्यू ये सब बहुत कुछ ये है आपका फीचर्स है इसके नीचे बहुत सारे जो है होम के अंदर जो है इतने बटन हैं इतना फंक्शन कर सकते हैं ये इतना एग्जॉस्टिव एक्सेल है कि अगर मैं एक साल भी लगा दू तब भी हो सकता है कि 10-20 परसेंट तीस परसेंट से ज्यादा जो है मैं सीख नहीं पाऊंगा नॉर्मल टाइम में लेकिन इसका जो पावरफुल फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा ये देखिए एक एक जो है एक सबसे पहले जो है अभी मैं बता दूंगा कि इससे जो है एम से आप इसको कॉपी कैसे कर करते हैं ये देखिए जैसे कि ये जो थोड़ा सा कम्बरसम है ये स्टॉप शेयर मैं एक बार बता दूंगा जैसे आप जो है ये शेयर स्क्रीन किए आप इसमें एम एम आई शेयर किए ये शेयर हो गया ये देखिए एम एम आई स्क्रीन है इसमें जो सबसे आ, मैंने जो पावरफुल सबसे इसका फीचर देखा है ये लिस्ट आइटम है ये काफी कुछ मैनेजरियल रिपोर्ट जो है इसको लिस्ट आइटम के थ्रू पता चल जाएगा तो ये हमने लिस्ट आइटम दबाए सारे लोग के स्क्रीन पे आता होगा और ये आपका पूरा लिस्ट आइटम आ गया अब ये मान लीजिए कि लिस्ट आइटम में जो है ये सर, ये देखिए इसमें अभी तक आया नहीं है सर अच्छा एक मिनट ये लगता शेयर नहीं हुआ अभी कौन सा है ये ठीक है।, से, से। है, है।, है? है कोई बात नहीं इसको मैं ये मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ तो शेयर कर लिया ये आई एम एम आई इसका फर्स्ट पे जा रहा है ना? सर हेलो ठीक है तो ये इसमें आप लिस्ट आइटम में जाइए लिस्ट आइटम में जो है बहुत सारी चीजें आपको जो है वो सारी लिस्टिंग हो जाएंगी थोड़ा समय लगेगा इसमें ये लिस्ट आइटम हुआ उसके बाद ये प्रिंट बटन है यहाँ पे इसको प्रिंट दबाइए जो भी क्राइटेरिया में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आप सारे आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंट में जाइए इसको मैं बंद कर देता हूँ मान लीजिए कि केवल जो है ए बी एंड सी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये तीनों सेलेक्ट कर लीजिए इसमें नीचे देखिएगा तो आ, सारा रो आपको दिख जाएगा कि इसमें जो है पांच हजार चालीस कुछ आ, ये है एंट्रीज हैं जो कि सेलेक्ट हो गई हैं उसके बाद जा करके इसको प्रिंट कीजिए प्रिंट करने के बाद जो है आपका वो प्रिंट एक आ जाएगा आपका ये आ जाएगा उसके बाद आप सीरियल नंबर पे इसको हाईलाइट कीजिए देखिए सीरियल नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आप शिफ्ट का बटन दबाइए और फिर इसको जो है ये साइड वाला जो स्क्रॉल बार है इसको बिल्कुल नीचे तक ले आइए और जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ क्लिक करके और इसको कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद वो आप जा करके एक्सेल में इसको आप पेस्ट कर सकते हैं ये जितना भी ये पूरा आपका सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट करने का डिफरेंट टाइप का तरीका सर, हो सकता आप, है कि सर आपका सिर्फ आई एम एस का होम पेज आ रहा है सर और कुछ अभी तक नहीं हो रहा है अच्छा ये हो ही नहीं रहा है ये सर, ओ नहीं तो ये ये जो है ना बार बार लगता है कि पूरा शेयर करना पड़ेगा तो ये मैं तो इसको लास्ट में रखता हूं बेसिकली अदरवाइज ये जो है ये क्लियर नहीं आ रहा है स्टॉप शेयर स्क्रीन शेयर ये जो है एक्सेल शेयर ये जो है ये अभी आ रहा है एक्सेल का सीट यस सर ठीक है तो ये देखो ये ये जो है ना ये एक्सेल का एक सीट है जो हमने बनाया है ये बेसिकली आई एम एम आई एस का डाटा से लिया गया है इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एज ऑन विथ न्यू एबीसी ऑन वन फोर ट्वेंटी ये करके दिया हुआ है अब इसमें देखिए इसमें पीएल दिए गए हैं बगल में ये जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा पीएल रखा हुआ है अब इसमें जो है ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको सॉर्टिंग वोटिंग सबको आता होगा इसलिए मैं उसके तरफ नहीं जाता हूँ इसको देखिए मान लीजिए कि इसमें से किसी को ग्रुप काटना है है ये जो ग्रुप सबको मालूम होगा जैसे जो फर्स्ट टू डिजिट होता है वो ग्रुप होता है अभी आप ग्रुप कैसे काटेंगे जब मान लीजिए कि मतलब है कि हम चेक चेक डिजिट काटना चाहते हैं कि हमको कहीं पे किसी एक कॉलम में चेक डिजिट जो है वो दिख जाए तो उसका जो है नियम ये है कि आप जो है इसको एक मैं एक सबसे पहले एक जो है ये इसको जो है मान लीजिए कि सी और डी के बीच में ये मैं करना चाहता हूँ कोई रोक क्रिएट तो यहाँ डी को पूरा सिलेक्ट करता हूं राइट क्लिक करके आ, इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं एक इंसर्ट करता हूं तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया तो मान लीजिए कि हमको चेक डिजिट केवल जो है यहां पे दिखाना है चेक डिजिट ठीक है ये चेक डिजिट हमने लिख लिया ठीक है तो इसको फॉर्मूला इसका आप लिखेंगे इक्वल टू राइट इन ब्रैकेट ये राइट right से इसका मतलब होगा कि आप राइट right से काटना चाहते हैं ठीक है और किसका राइट से काटना चाहते हैं तो आपको जो है ये सेल जो है बी टू है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए इक्वल टू राइट इन ब्रैकेट बी टू मतलब बी टू सेल के राइट से हम काटना चाहते हैं और चेक डिजिट लास्ट डिजिट होता है लास्ट डिजिट होता है या लास्ट टू डिजिट होता है लास्ट लास लास डिजिट लास तो लास तो इसको कॉमा करके हाँ ठीक है तो राइट से आप कितना काटना चाहते हैं एक काटना चाहते हैं क्योंकि वही लास्ट चेक डिजिट है तो ये देखिए राइट इन बी टू वन तो ये जो है आपका चेक डिजिट गया इसमें देखिए इसमें पांच कट गया और इसके बाद इसका जो फिल हैंडल पकड़ के आप इसको और डाउन कर देंगे तो ये सारे चेक डिजिट कट जाएंगे तो जितना है मैं इसको पूरा काट सकता हूं ठीक है तो ये आपको एक हमने राइट फंक्शन बता दिया आपको मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है तो आप इसका नाम रख दीजिए जी आर ओ यू पी ग्रुप और यहां पे लेफ्ट कीजिए अब लेफ्ट से फर्स्ट टू डिजिट को ग्रुप बोलते हैं लेफ्ट इन ब्रैकेट चालू इसमें बी टू रेफरेंस हमने डाला और उसके बाद जो है इसको हमने टू कर दिया ये देखिए ग्रुप आ गया है टेन ठीक है फिल हैंडल पकड़ के आप नीचे कर लीजिए तो सारे ग्रुप जो है कट गए ये, ये क्लियर दिख रहा है यस yes, सर। ठीक है तो ये हमने आपको लेफ्ट एंड राइट बता दिया कि उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए कि चौथा और पांचवा डिजिट काटना है लेफ्ट से जैसे वन जीरो जीरो टू जीरो वन थ्री फाइव यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन डबल जीरो वन डबल जीरो टू जीरो वन थ्री फाइव इसको काटना है तो इसके लिए फॉर्मूला है मिड mid. मतलब मिडिल से काटना है तो मिड लिखेंगे उसके बाद कहा गया इसको कौन सा सीरियल से काटना है तो हम जो है चौथा और काटना काटना चाहते हैं तो फोर करेंगे यहां से मतलब कि स्टार्टिंग कौन सा हुआ फोर हुआ और इसके बाद के दो डिजिट हमको काटने है. तो दो लिख दिया तो ये मिड हो गया बी टू फोर टू तो ये जो है बीच वाले जो है टू जीरो ये कट गया तो ये टू जीरो कट गया ये देखिए सबका कट जा रहा दो दो करके इसको जितना है आप काट लीजिए ठीक है yes, तो ये आपका ये तीन फंक्शन जो है आपको यूज होगा क्योंकि बहुत सारा ऑपरेशन इसके थ्रू होता है यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है सेक्शन में देखिए ग्रुप काट करके रखा है ये सब फॉर्मूला से ये अपने आप फॉर्मूला जो है ये कॉपी हो जाता है और इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं तो ये हमने आपको तीन की कोई भी चीज को जो है आप कैसे जो है आ, काट सकते हैं जैसे इसमें से नॉब में जो है ये कहीं से भी बीच वाला अगर काटना है तो आप काट सकते हैं जैसे इसको लिखेंगे मान लीजिए मिड उसके बाद इसका कॉमा मान लीजिए पांच कॉमा पांच तो ये जो है मतलब कि इसमें विथ कट गया यहाँ क्योंकि एन के एन ओ बी ब्लैंकू ठीक है तो ये आपका वहां से एक कट गया इसके आगे लेकिन एक ब्लैंक भी है जो आपको दिख नहीं रहा है विथ के पल एक ब्लैंक है वो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे पांचवा डिजिट जो है ब्लैंक है नॉब के बाद एक गैप है वो गैप है गैप के बाद विथ आ रहा है ठीक है तो ये फंक्शन है तो ये टेक्स्ट वाले फंक्शन है अब मान लीजिए कि पीएल और आइटम डिस्क्रिप्शन को जोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे एक फंक्शन है कॉन इसका अंग्रेजी जो है कॉन ये देखो ये कॉन जो है कॉन कैटेनेट ये हो गया ये कॉन फंक्शन है इसका गूगल में खोजिएगा तो इसका मीनिंग मिल जाएगा कौन कंटेट मतलब लिखते जाइए तो बी को ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो तो को ज्वाइन करना, करना चाहते हैं वाइटल सेफ्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस टाइप का बंद कर दीजिए तो ये जो है आपका ये आ जाएगा इसमें ये जो है पूरा जो है कौन B2 बी टू सी टू ये जो है यहाँ पे जो है इसको ये करना पड़ेगा ये देखिए ये आ गया ये ये बड़ा बड़ा इसलिए ये जो है पीएल आ गया नॉब आ गया ये हो गया इसके बीच में पीएल और इसके बीच में गैप देना चाहते हैं तो एक जो है आ, कोट चालू करके ब्लैंक कर दीजिए कोट बंद कर दीजिए कॉमा कर दीजिए तो ये देखिए पीएल के बाद वो आ गया ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया तो ये कॉन कैटेनेट जो है ये भी आपका जो है आ, ये काफी इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिससे कि आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं ठीक है यस yes, सर ये क्लियर है यस yes, सर तो ये सब टेक्स्ट वाले फंक्शन है अब ये चीज जो है आप भूल जाएंगे तो इसको देखेंगे कि ये सब का मतलब कहाँ पे है और कैसे करते हैं मैं आपको फीचर्स दिखा दूंगा और काम करते करते आप जो है बहुत सारा चीज जो है ये कर सकते हैं तो ये जैसे ये है ये एफएक्स आपको दिख रहा है तो एफएक्स में आप क्लिक करेंगे ठीक है और इस टाइप का अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन नहीं है इसको डिलीट करके आप एफएक्स पे क्लिक कीजिए तो इसमें बहुत सारा फंक्शन देगा ये देखिए यहाँ दिख रहा है ये आए क्या स्क्रीन सर yes, ये आ गया जो इस yes sir, जो और yes 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 आ गया, yes और गया। yes ठीक है very good. तो ये देखिए इसमें बहुत सारा अप आ जाता है ये जो मोस्टली मोस्ट मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन जो इसमें दिए गए हैं और मान लो कि अभी हमने जो आपको टेक्स्ट का बताया तो ये टेक्स्ट में जाकर के देखिए तो बहुत सारा है इसमें फंक्शन जो है कम से कम बीसों तीसों हो फंक्शन होगा trim upper lower text delete substitute search right left meet आपको बताया था हमने lower बताया था lower नहीं बताया मान लीजिए कि पूरा चीज को जो है आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए lower in bracket ये कौन सा किसको lower में करना चाहते हैं कॉमा lower देखिए इसको जो है मैंने बहुत दिन से यूज नहीं किया ये देखिए पूरा जो है नौ नॉ नट तो स्पिड पूरा लोअर में हो गया लोअर केस में हो गया इसी को अगर आप अपर करना चाहते हैं तो इसको अपर इसको कर लीजिए तो ये भी आपका जो है ये अपर केस में हो जाएगा ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो है पूरा फैला हुआ नहीं है ऐसा मान लीजिए कि इसमें आप प्रॉपर लिखना चाहते हैं ताकि फर्स्ट डिजिट जो है वो आपका आ, कैपिटल रहे बाकी सब स्मॉल रहे तो इसके लिए प्रॉपर फंक्शन है मान लीजिए इसमें पी आर ओ पीई आर और ये जो है इसको करके इसको कॉमा कॉमा नहीं इसको आप ब्रैकेट ब्राके, कर लीजिए तो ये देखिए नॉब विथ स्पिंडल एंड नट ये जो है प्रॉपर आ गया इसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो आपका ये है क्या बोलते हैं कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है तो इसमें आप ये सारे टेक्स्ट के फंक्शन है जो कि हमने बताया बहुत सारे तेरे फंक्शन है जैसे जैसे जिसको एडवांस और लर्निंग करना है वो आराम से कर सकता है बिना फंक्शन का एक्सेल में जो है बहुत एडवांस लेवल का आप काम नहीं कर पाएंगे तो फंक्शन और कुछ कुछ फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है तो ये हमने एक फंक्शन आपको बता दिया एक मैं अभी आपको एक और मैं बताऊंगा बेसिकली जो है ये जो है एक जो सबसे ज्यादा जो यूजफुल फंक्शन है उसको मैं बताऊंगा ये जो है अब ये मान लीजिए कि आपके पास जो है ये ये तो आपका टेक्स्ट का फंक्शन बता दिया एक और बड़ा अच्छा फंक्शन है आपका वी लुकअप का फंक्शन है ये कल एक दो डिप्टी आए थे उनको मालूम नहीं था तो फिर उनको बार बार बताना पड़ता तो उसी से मेरा आइडिया है कि क्यों ना सबका एक क्लास ले लिया जाए तो मान लीजिए एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए सी वैल्यू इक्कीस चार बीस का बारह बजे का ये सी वैल्यू क्या है तो ये जो है सीट जो है वहां से कॉपी किया गया है आपका अः ये सीट जो है आपको कॉपी किया गया है जो आई एम एम आई से और ये ओपनिंग बैलेंस है ऑफ़ ऑन फोर टू थाउजेंड अभी हमको फाइंड करने का है कि ये सी वैल्यू देखिए यहाँ पे ए सी दिया हुआ है सब लोग जो स्टोर्स का आदमी जो है जानता होगा अः ये जो है ये आपका ये जो है ये ए सी वैल्यू है जो अभी हम लोग इक्कीस चार दो हजार बीस को जो है ए सी आप रखे हैं वो आपका ये है आपको आई एम एम आई ए सीट वाले से मिल जाएगा मैं पूरा दिखाता लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्क्रीन शेयरिंग में जो है वो स्विच नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो मान लीजिए कि आपने इक्कीस एक, एक तारीख को या आज के दिन में वहां से कोई एक सीट कॉपी करके यहाँ पे किए और आपके पास ये एक्सेल टेबल ले है और एक आपके पास एक चार का आपके पास जो है ऑलरेडी किया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं तो ये आपका एक चार का स्टॉक बैलेंस है और ये आपका इक्कीस चार का है मान लीजिए कि उसमें जो है मैं देखना चाहता हूं कि उस समय ई वैल्यू क्या था तो कोई डीलर को मैं बोलता हूं कि ऐसा करो कि इक्कीस तारीख वाले में एक तारीख वाला जो ए सी वाला उसको भरो, तो वो कैसे भरेगा वो एक एक के रिकॉर्ड को भरना जो है है उसके बल बूते बाहर तो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि चलो तुम एक कैटेगरी का ही भरो तो एक कैटेगरी का उसने शॉर्ट कर लिया ये देखिए सिलेक्ट ऑल करके सारे आ जाएंगे इसमें इसमें सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं तो इसको जो है हम लोग मान लीजिए कि केवल हम इसका एक कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बाकी को इसको पूरा ऑफ कर दिया और एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए नीचे में एक आ रहा है टू सिक्स ऑफ सिक्स थ्री फोर सेवन रिकॉर्ड फाउंड ये देखिए ये दिखाता है कि कितना रिकॉर्ड फिल्टर हुआ है तो एबीसी में जो है ये ये सारा एक कैटेगरी का आपका जो है वो फिल्टर हो गया इसमें ये सारे एक कैटेगरी के फिल्टर हो गए अब मैं बोलता हूं कि अब बताओ कि एक तारीख को उसका ए कितना था अभी ए रिव्यू का जमाना चल रहा है तो आपको जीएम साहब के साथ आज मीटिंग हुई तो अर्लियर ईएसी कितना था अभी का ईएसी कितना है वो पूछ रहे थे उसका डिफरेंस कितना है तो हमको एक चार का ईएसी जो है इस सीट पे लाने का है ताकि हम जो है तो ये पीएल का ये एसी करंट है ये वाला जो है और हमें एक लाना ये करेंट है करंट वाला ये मान लीजिए रिवाइज एसी नहीं अब मान लीजिए इसको करंट एसी मैं लिख देता हूं ये करेंट ए सी है ये मेरा एक करेंट ए सी है ये ये देख लीजिए ये वाला जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं सबको दिख जाएगा ये करेंट ए सी है जिसकी जो कि हाईलाइटेड है इक्कीस तारीख को करेंट ए सी ऑन विस डेट ट्वेंटी फर्स्ट अब हम जो है ई सेल में लाना चाहते हैं कि वट इज द दी ऑफ दिस पीएल ये पीएल नंबर है एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो करेंट एस यहाँ पे तो है, what, what, what is, इसको लिखते हैं थाउजेंड ट्वेंटी तो इसके लिए जो है एक कमांड है जो कि काफी मैं यूज करता हूं इसको आप जो है इसको तो इसको मान लीजिए कि एक चार 2020 को जो है हमको ए सी फाइंड करना कि क्या था तो अब देखिए ये सेल हमने सेलेक्ट किया है ये सेल जो है ये देखिए इसको मैं रेड कर देता हूँ आपको दिखेगा ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया इस सेल पे तो इस लाइन में किसका हमको सेलेक्ट करना है ए सी इसमें हमको इस पीएल जो है ये पीएल की वर्ड है ये पीएल के हिसाब से हमको इस सीट में जाना है एक चार वाले में और फाइंड करना है कि उसका ए क्या था मैं एक बार फिर समझाता हूँ ये जो है इस सेल में जो लाल वाले सेल में हमको किस चीज का ए दिखाना है ये पीएल का ए सी कहा से दिखाना है तो हमको जो है एक चार वाले सीट से दिखाना है ठीक है और एक चार वाले सीट से लेकर के हमको ये करने का है ठीक है तो इसको पहले मैं ये कर देता हूं नहीं तो बहुतों को तो नहीं दिखेगा ये जो है ये कर दिया हमने ब्लैंक कर दिया ताकि आपको लेटर ठीक से दिखे तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं आप नोट भी कर लो वी लुकअप पहले लिखो ये देखो इसमें वी लुकअप इसमें लिखा हुआ है वी लुकअप इसका मतलब होता है कि वर्टिकल लुकअप ठीक है वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप तो उसको अगर हिंदी में बोलना होगा तो हम इसको कमांड कंप्यूटर को देना चाहते हैं कि तुम जो है एक चार वाले सीट में जाकर के वर्टिकली उसको लुकअप करो और हमको ये पीएल फाइंड करो कि ये पीएल कहाँ है और उसके बाद उसका ए सी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुटअप करो तो इसका मतलब हुआ वी लुकअप हुआ ये वी लुकअप कमांड लिखेंगे ब्रैकेट चालू करेंगे ठीक है उसके बाद लिखेंगे कि कौन सा वैल्यू आप लुकअप करना चाहते हैं एक चार में क्या लुकअप करना चाहते हैं एम एम वर्कशॉप Yes, एक, एक चार वाले सीट में किस चीज पे किस इंडेक्स पे लुकअप करना चाहते हो पीएल नंबर पे यस सर पीएल नंबर पे तो यहाँ पे पीएल का ये बी सिक्स है ना yes, तो ये बी सिक्स जो है हमने डाल लिया. कि बी सिक्स को हमको लुकअप करना है मतलब पुराना सीट में जाकर के खोजना है कि बी सिक्स जो है बी सिक्स का जो वैल्यू है वन जीरो जीरो थ्री डबल जीरो फाइव जीरो ये कहां पर है तो ये हो गया कि क्या चीज लुकअप करना है आप जो है क्या लुकअप करना चाहते हैं? उसके बाद है कि आप कहा लुकअप करना चाहते हैं ठीक है तो इसको करके कहा लुकअप करना चाहते हैं? एक चार दो हजार बीस वाले एक चार दो हजार बीस वाले सीट में लुकअप करना चाहते हैं तो हम इस सीट में गए ठीक है ये देखो ये सीट सेलेक्ट होने पर यहां पे ऐसे कुछ आ जाता है फॉर्मूला बार में देखोगे लिखा हुआ है वो

ठीक है तो ये सिलेक्ट हो गया अब देखिए वी लुकअप वर्टिकल लुकअप करून कौन सा वैल्यू बी सिक्स में जो वैल्यू आ रेंज ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक न्यू एबीसी का बी से लेके पी के बीच में ठीक है अब बी वाला जो फर्स्ट रो होता है ना वो जो लुकअप करना है वो फर्स्ट रो होना चाहिए जैसे यहाँ पीएल लुकअप करना है तो बी में आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पीएल करना चाहते हैं तो आप बी से चालू कीजिए और इधर ले जाइए बी से लेकर के पी वाला रेंज है तो ये बेसिकली लुकअप का आपको रेंज बताएगा कि ये रेंज क्या है उसके बाद ये जो है ये आप क्या करेगा कि सिक्स का वैल्यू लेकर के ये जो फर्स्ट वाला जो आपका ये बी है इसमें जो है वो फिंगर से वो लुकअप करेगा ये पूरा जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्यूटर खोजेगा कि ये जो है बीसिक्स वाला जो वैल्यू है वो कहां पे है उसके बाद आप इसमें क्या चीज डालना चाहते हैं तो आप जो है इसमें ए सी डालना चाहते हैं तो यहां से काउंट कीजिए बी से लेकर के ए सी कहां पे ए सी यहां पे तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम सिक्स कॉलम तो बोल रहे हैं कि ये रेंज में एक आपके पास मान लीजिए कि आ, कोई टेबल है तो वो टेबल हमको मिल गया कि ये रेंज हो गया इसमें पीएल को सर्च करना है और इसमें एक दो तीन चार पांच छठा वैल्यू जो है उसको पुट करना है तो इसको हम लोग सिक्स कर देंगे और इसके बाद एक और फॉल्स लिख दीजिए इसका मीनिंग में, में बताऊंगा क्या होता है एक फॉल्स लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए तो ये आप लिखेंगे रेंज उसके बाद कौन सा वैल्यू जो है उसको ड्रॉप करना है ओरिजिनल टेबल में और एक फॉल्स लिखेंगे फॉल्स क्यों लिखेंगे ट्रू क्यों नहीं लिखेंगे वो सब बात का चीज है ये और इसको आप इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 58 उसका वैल्यू आ गया ठीक है तो ये देखिए ये जो था ये पीएल जो था अंत में फाइव जीरो है ये जो है ये फाइव जीरो वाला जो है आपका hmm, कहा है फाइव जीरो ये जो है इसका 58 जो है ए सी वैल्यू जो था ये देखिए ए सी वैल्यू ये है, 58 है इसका तो ये जो है इस सीट में आपका आ गया ये 58 आ गया और इसी चीज को आप अगर नीचे तक ले जाएंगे तो वो सारा जो है आपको बता करके दे देगा कि व्हाट वॉज द ए सी ऑन वन फोर ट्वेंटी ठीक है तो इसको फिर एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दू So, हमको, सर मुझे तो समझ में आ गया सर बाकी लोगों से कैसे कंफर्म अच्छा ठीक ठीक है तो ये फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि हमको फाइंड करना है कि हमारे पास दो सीट है एक में ई वैल्यू लिखा हुआ है और एक में जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एक चार का है अब 21 तारीख को मेरे पास इस सीट में हम दिखाना चाहते हैं कि एक चार को ए वैल्यू कितना था ठीक है तो इसमें हम इस सीट में जा करके सबसे पहले कमांड लिखते हैं v इक्वल टू करके v लुकअप उसके बाद जो है क्या चीज खोजना है पीएल पीएल हमारा की की सर्च है की आइटम है जिसको की सर्च करना है एक एक मान लीजिए कि आपका जो है आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट किस चीज के बेसिस पे देखते हैं श्यामल सरकार पांच तरह का आदमी हो सकता है वोटर लिस्ट में श्यामल सरकार पच्चीस तरह का आदमी हो सकता है तो आप देखते हैं उसका वोटर आई कार्ड नंबर या इस टाइप का उसका देखते हैं कि वो है कि नहीं या फोन नंबर देखते हैं तो उसी तरह से की क्या है हमारा पीएल नंबर है यूनिक की तो ये पीएल नंबर इसमें टाइप करेंगे तो ये दे दिया बी सिक्स बी कॉलम का बी का ये सिक्स कॉलम वाला जो है बी ये देखिए सिक्स है इसको सेलेक्ट किया इसको कॉमा किए उसके बाद आपको ये बी को जो है कहाँ खोजना है तो आपको इस सीट में जाना तो इस सीट में जाइए उसके बाद बी से आपको ए सी फाइंड करना है तो आप जी तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया कोट ओ बी ऑफ स्टॉक विथ न्यू ए बी सी वन फोर ट्वेंटी बी डबल कॉलन जी ये हो गया ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया बी से लेकर के आपका जी तक हो गया उसके बाद जो है यहाँ से काउंट करो कि कितना नंबर पे वो ए सी आता है पीएल नंबर एक दो तीन चार पांच छे। छे पेस आते तो उसको छ कर लो या कोई भी चीज देखना चाहते हो कि स्टॉक वैल्यू देखना चाहते हो अगर स्टॉक वैल्यू देखना चाहते हो तो क्या करोगे ये भी कर सकते हो मान लो कि तो, स्टॉक वैल्यू देखना चाहते हो कि एक चार को क्या है तो यहां से लेकर के स्टॉक वैल्यू तक उसको घसीट के ले जाएंगे आ, आ, इसका की दबाते हुए आपका ये ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया डौट, 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 डौट डौट है डॉट 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 दिया है मतलब बीस से लेके एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो इसमें कॉमा करके ग्यारह कर देंगे तो इसमें क्या आएगा आपका स्टॉक जो है वो वैल्यू फेच करेगा और उसके बाद एक फॉल्स लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये देखिए ये स्टॉक वैल्यू आ गया रॉड विथ कैप बूस का जो है ये देखते हैं आया कि नहीं आया कुछ दूसरा चीज तो नहीं आया कैप है ऊपर होगा ये कैप ये ये जो है देखिए स्टॉक वैल्यू स्टॉक वैल्यू हमने सिलेक्ट किया था स्टॉक वैल्यू वहां पे आ गया एक चार का तो ये जो है इस सीट में जो है ये एसी भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी इस सीट का कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करके ये आपका वोटर्स आईडी नंबर है जो कि शॉर्टेड अच्छा वो मैं बताऊंगा ये ये करके आप कर सकते हैं अब इसमें